सारा दिन आवारा गर्दी करता रहता है, जब कुछ कहो हजार बहाने बना लेता है। इस सब में मेरे घमले का क्या कसूर? मेरा बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना, मिल जाएगी सर नौकरी इंशाल्लाह। कोशिश? क्या कोशिश कर रहा है? दिखनी चाहिए उसकी कोशिश, करता क्या है वो? Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Dekho bhaiya, fir kandhe pe. Ab kahan ki sawari hai? बेटा जुबेर रुक जाओ बेटा। देखें फिर जवाब नहीं दिया इसने। कहां फंस गई मैं इन दोनों के बीच में, मेरी मुश्किलात बढ़ती जा रही। ओ भाई साहब, ओ ए मानसी, ओ अरे बाबा हट, ये कहाँ से आ गया सामने? ओ भाई साहब, ओ मानसी, ओए हट, ओए ओए मानसी, अभी हट जाना यार। जी अम्मी। कहाँ रह गए तू? जल्दी आ, तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं। हाँ मैं बस पहुँच रहा हूँ रास्ते में। जल्दी आओ फटाफट। जी जी। चलो अल्लाह हाफिज। हाँ बस पहुँच रहा हूँ।
उठ गए नवाब साहब, बिजली का बिल जमा कराया या बाकी कामों की तरह वो भी भूल गए? वो अब्बा आज भर लूंगा मैं, कल भूल गया था। मैं मना कर करके थक गया था, इसको अपनी मर्जी की पढ़ाई मत करने दो, अब भुगतो तो इसको, कुछ काम नहीं कर सकता ये। ये पढ़ाई कहां से बीच में आ गई? सकुन से नाश्ता तो करने दें उनको। बेटा रुक जाओ, नाश्ता करके जाओ। बस भगा दिया, नाश्ता भी नहीं करने दिया आपने उनको। अबे जुबैर कैसा है? कहां थे इतने देर से? अरे यार वो बिल्ला है ना। कहां रहेगा वो बिल्ला? यार मैंने उससे कहा भी था तेरे पास जाना है, मगर उसने टोपी करा दी। यार एक तो इसकी टोपियां कभी खत्म नहीं होती। अच्छी बात ही है। खैर तू ये बता इतवार को क्या कर रहा है? ऐसे ही बस कुछ खास नहीं कर रहा। इतना उदास क्यों है मेरे भाई? तो तुझे पता है ना फेस्टिवल का? फेस्टिवल का रिजल्ट आ गया तो वहां से भी मिल गया रिजेक्शन। अच्छा उदास नहीं हो, तेरी उदासी दूर करने का एक तरीका है मेरे पास। चला फिल्म देखने चल, चल। अबे हालत देखिए मेरी, महीने का एंड चल रहा है, जेब खाली पड़ी है, तू ऊपर से अब्बा का दिमाग बहुत गर्म पड़ा हुआ है। दे यार एक तो तेरे अब्बा। अबे तू चल ना यार, टेंशन नहीं ले, मैं हूँ ना, पैसे की टेंशन नहीं ले मैं हूँ। चल चल साहब, मालिश करानी है। अबे तू चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। अबे हालत देखिए तूने अपनी, तुझसे मालिश करवाएंगे हम। आप बुलिए बिना जाए, मालिश करूंगा ऐसी कि सारी टेंशन चल निकल। अबे ये चेक कर, ये देख ले। अब साहब ये कहा मुझे? अबे तू कौन से दर्द भगाता है जिस्म के तेलों से भाई? साहब मालिश नहीं करानी तो ठीक है, पर मेरा सामान वापस कर दो। अच्छा एक मिनट, पहले ये बता है कहाँ का तू? भावलपुर। अबे यार एक तो ये बाहर से आने वालों ने ना हमारे शहर का नक्शा ही बदल दिया है। काम करने आते हैं साहब, वरना अपना कार छोड़ के कौन दूर आना चाहता है? तू जाएगा नहीं ना ऐसे, तेरे दवा मुझे पता है। साहब नहीं, साहब साहब नहीं, साहब मेरा सामान। अबे जुबैर ये क्या किया तूने? अबे ये लंबा केस है भाई, मैं शर्म कर, तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं आया। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे जिसकी वजह से शर्मसार होना पड़े। शुक्र करो कि उस गरीब ने कोई बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, वरना तू लंबे अरसे के लिए अंदर जाता। गलती होगी साहब बच्चे से। बच गए बच्चे उस मालिशी की वजह से, वरना तुम जैसे बच्चों को ना अच्छी तरह ठीक करना आता है मुझे। आंदा नहीं होगा सर। लेके जाओ इसको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना केस वापस ले लिया। साहब हम गरीब लोग हैं, यहाँ कराची आते हैं अपने कार वालों का पेट पालने के लिए, हमें किसी से दुश्मनी वुश्मनी नहीं करनी। और आप जिस शहर का मजाक उड़ा रहे थे ना, उस शहर ने हमें ये नहीं सिखाया कि जो शहर आपका पेट पाले वहाँ के लोगों की मदद ना करो। माफ करना, हमारी वजह से आपके सर पर चोट आई और आपका इतना सारा नुकसान हो गया, लेकिन हमने समझा कि ये शहर गांव ये सब कुछ नहीं होता, हम सब आपस में एक ही हैं। आपको अगर कोई भी काम हो यहाँ पे तो आप बेझिझक मुझसे पूछना, मैं अक्सर सीढ़ी पे होता हूँ।